नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। राम मंदिर जमीन खरीद विवाद पर सियासत तेज। संजय सिंह ने चंपत राय के तथ्यों को किया खारिज। कहा चंदाखोर हो गए हैं बेनकाब। केशव प्रसाद बोले राम विरोधी हैं विपक्ष के नेता। चिराग का जेडीयू पर पार्टी तोड़ने का आरोप। कहा शेर का बच्चा हूं, मजबूती से लड़ूंगा हक की लड़ाई। पशुपति का तंज, कानूनी लड़ाई लड़ने से चिराग को किसने रोका। कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम के मिले होने पर विवाद। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर वैक्सीन निर्माताओं को घेरा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावों का किया खारिज। कहा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर किया गया है पेश। 26 सितंबर को आयोजित होगी रीट परीक्षा। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 21 जून से 5 जुलाई तक आवेदन किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने की घोषणा। प्रदेश में डेयरी उद्योग के प्रोत्साहन के लिए गहलोत सरकार का बड़ा कदम। कृषि और दुग्ध उत्पादों के प्रोसेसिंग प्लांट के लिए मिलेगी भूमि। निर्धारित दर या डीएलसी दर की 50% पर मिलेगी जमीन। राजस्थान में सिनेमा घर, धार्मिक स्थलों को छोड़कर सब अनलॉक। 2 महीने बाद मॉल्स, स्मारक रेस्टोरेंट खुले। जिम में चहलकदमी बढ़ी। जंतर मंतर हवा महल में आने लगे पर्यटक। हिंडोली क्षेत्र के कई कस्बों में पेयजल की समस्या बढ़ गई है। टैंकरों से सप्लाई के बावजूद 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने का ग्रामीण ला रहे हैं पानी और उसके लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने पेयजल संकट दूर करने की मांग की है। बाड़मेर के गुड़ा मालानी में अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। ट्रक में ईंटों के नीचे छुपाकर रखी 900 पेटी अवैध शराब रखी हुई थी। झुंझुनू के गुड़ा गौरजी में पुलिस थाने में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। युवा वैश्य महासम्मेलन अभियान में सहयोगी एसएचओ देवी सिंह के नेतृत्व में परिंदे लगाए गए। अजमेर के पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने राजकीय अस्पताल का जायजा लिया। अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर विधायक काफी खुश नजर आए। भारतीय जनता पार्टी विजयनगर ने सांसद भागीरथ चौधरी का जन्मदिन मनाया। कोरोना के चलते इस बार जन्मदिन को सेवा कार्य करके मनाया। 500 मास्क भी वितरित किए गए। जोधपुर के कुड़ी ग्राम पंचायत में 2 दिन से अनशन कर रहे सरपंच चंद्रलाल खावा ने अनशन खत्म किया। लिखित में अधिकारियों से समझौता मिलने पर सरपंच खावा माने खेप आने पर सबसे पहले 1000 टीके कुड़ी को दिए जाएंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली थाना क्षेत्र के मोही गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इसमें 3 दलित व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। कांकरोली थाने में क्रॉस केस दर्ज करवाए। करौली नगर परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर पार्षदों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आयुक्त की कार्यशैली के खिलाफ आक्रोश जताया। जलापूर्ति, साफ सफाई और विकास संबंधी कई मसले उठाए। झुंझुनू रोडवेज डिपो गेट पर सीटू ने विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों का वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन महीने की पहली तारीख को देने की मांग रखी। इसके साथ ही कई मांगें भी उठाई। झुंझुनू के चिड़ावा में लव यू मम्मी पापा लिखकर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। युवक कुछ समय से बेरोजगार था। मसूदा पुलिस थाना इलाके में बुजुर्ग समेत युवक की कुएं में गिर जाने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल कुएं में गिरने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। अलवर में पुरातत्व संग्रहालय विभाग के संरक्षित स्मारक संग्रहालय पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। अलवर के रामगढ़ कस्बे में नवसर्जित नगर पालिका का उद्घाटन रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर ने किया। विधायक साफिया जुबेर ने बताया कि कस्बे के लोगों की कई सालों से मांग थी, जिसे हमने सिर्फ 3 साल के कार्यकाल में पूरा किया। अलवर शहर बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई। महात्मा गांधी दर्शन सेवा समिति के संयोजक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वृक्षदान अभियान पर चर्चा हुई। एंटी करप्शन फाउंडेशन अलवर टीम की ओर से कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस के जवानों का मनोबल बढ़ाया गया। उनके किए गए कार्यों की सराहना की गई। अलवर के शास्त्री नगर मेडिकल कॉलेज के कॉलोनी में सौर ऊर्जा से स्वचालित सिंगल फेज ट्यूबवेल का शुभारंभ किया गया। शहर विधायक संजय शर्मा भी मौजूद रहे। सूरज की रोशनी आने पर खुद ही शुरू हो जाता है। टंकी को भरने के बाद अपने आप बंद हो जाता है।
अलवर में रिजर्व पुलिस लाइन से राशन किट और चारा पहुंचाने के लिए गाड़ी को रवाना किया गया। 2008 बैच के पुलिस के जवानों ने अपने स्तर से मदद के लिए पहल की, बेसहारा लोगों को मदद पहुंचाई। प्रतापगढ़ में 24 घंटे में 3 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में 24 एक्टिव केस हैं। प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील की है। अलवर का सिलीसेड लेक पैलेस होटल 2 महीने बाद अनलॉक हुआ। अभी साफ सफाई का कार्य हो रहा है। पिछले दिन सिर्फ 5 पर्यटक ही आए हैं। उदयपुर में जिला कलेक्टर के आदेश के बाद शर्मा सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय सीज हुआ। चिकित्सालय का पंजीयन भी निरस्त किया गया है। गंभीर अनियमितताओं के कारण अस्पताल पर गाज गिरी है। उदयपुर के झाड़ोल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गौराना में 71 स्टूडेंट्स को जबरदस्ती टीसी देने का मामला सामने आया है। विद्यालय का रिजल्ट 100% रखने के लिए कमजोर स्टूडेंट्स को टीसी थमा दी गई। परेशान अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्व विभाग ने झुंझुनू में सूरजगढ़ के किडवाना गांव में बड़ी कार्रवाई की। जौहर में बने पक्के आलीशान मकानों को जेसीबी से तोड़ा। सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। भीलवाड़ा के मंडपिया में होली के स्थान पर दबंगों की ओर से कब्जा करने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर दिया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। कब्जे से मुक्त करवाने की मांग की। बांसवाड़ा के वाडिया कॉलोनी में पुलिस जवान और उसके मकान मालिक के बीच का झगड़ा बड़ा रूप ले चुका है। मकान मालिक ने पुलिस जवान पर उनकी नाबालिग बेटी से मारपीट करने का आरोप लगाया। बांसवाड़ा के बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आईं। सुबह से ही रेस्टोरेंट समेत कई दुकानों में भीड़ देखने को मिली। बांसवाड़ा में नगर परिषद की ओर से बरसाती नालों को ठीक करने का काम शुरू होते ही विवाद में आ गया। व्यापारियों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान नगर परिषद ने ये कार्य नहीं किया, अब दुकानदारी प्रभावित हो रही है। अजमेर में नशीली दवाइयां पकड़ने के मामले में ड्रग कंट्रोलर टीम ने विनायक एजेंसी की दुकान पर सर्चिंग की। विनायक मेडिकल एजेंसी को सील किया गया। जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर को 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ अन्य उपकरण भेजे गए। अमेरिका से भारतीय डॉक्टर्स ने मदद की ये खेप भेजी है। इस मेडिकल कॉलेज से मदद करने वाले डॉक्टर्स ने पढ़ाई की थी। सीकर के फतेहपुर में भाजपा के सीवरेज के दूसरे फेज के निर्माण कार्य को लेकर आक्रोश जताया। भाजपा शहर अध्यक्ष राम अवतार रुंथला ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में आवारा कुत्तों ने 7 साल की मासूम पर हमला कर दिया। घायल मासूम के सिर में 3 टांके डॉक्टर को लगाने पड़े। ब्यावर में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्जुन सिंह राठौर ने अधिकारियों की बैठक ली। राजस्व वसूली संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रतापगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा शहर के कॉलेज रोड स्थित कब्रिस्तान के सहारे बनने वाले रोड का निर्माण नगर परिषद ने एक बार फिर से कर दिया है। इससे पूर्व भी नगर परिषद ने यहाँ पर दीवार निर्माण करने की कोशिश की, तब विवाद हो गया था। सिरोही के पिंडवाड़ा में सड़क हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सांसद दिया कुमारी की ओर से दी गई एम्बुलेंस का मेड़ता सिटी में दुरुपयोग का मामला सामने आया है। एम्बुलेंस में कबाड़ का सामान डालने का वीडियो वायरल हुआ। सांसद ने अस्पताल प्रशासन को फोन पर कड़ी लताड़ लगाई। ब्यावर में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत प्रकरण में लिप्त पार्षदों के निलंबन की मांग हुई है। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने आक्रोश जताया। सीएम अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शाहपुरा में केंद्रीय बस स्टैंड पर होलसेल सब्जी मंडी बस चालकों और यात्रियों के लिए परेशानी बन गई। लॉकडाउन के दौरान यहाँ मंडी शुरू की गई थी। ब्यावर एसडीएम रामप्रकाश ने जवाजा पंचायत समिति के नूंद्री मालदेव पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया। सीकर के नीमका थाना कोतवाली पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने सदर थाना क्षेत्र में मोतली मोड़ पर लकड़ियों की तस्करी कर रहे ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक चालक को हिरासत में लिया।
राज्य सरकार ने 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट्स और ढाबों और जिम को खोलने की अनुमति दे दी है। श्रीगंगानगर में राहत के बाद व्यापारियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जलापूर्ति की व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की। मकराना में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के सौजन्य से मानव कृत्रिम अंग वितरण शिविर लगाया गया, 27 दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। सीएम की अपील के बाद प्रदेश की कई संस्थाओं ने दिल खोलकर सहयोग किया है। ONGC ने जोधपुर नगर निगम का सहयोग करते हुए 5 लाख रुपए की सहयोग राशि उपलब्ध करवाई। महाराष्ट्र पुलिस ने की कैथवाड़ा में बड़ी कार्रवाई, गूगल पर शराब बेचने के लिए नंबर डालकर ठगी करने वाले शातिर को पकड़ा, थानाधिकारी राम नरेश मीणा ने जानकारी दी। फतेहपुर में कुल देवी के मंदिर की 725वीं वर्षगांठ सैकड़ों प्रवासियों ने ऑनलाइन माध्यम से मनाई। मंदिर में दादी का भव्य श्रृंगार किया गया। दादी के भक्त दिल्ली मुंबई कोलकाता से भी वर्चुअली जुड़े। माउंट आबू में मॉडिफाइड लॉकडाउन की घोषणा के बाद पर्यटक स्थलों पर चहल पहल बढ़ गई है। वहीं RT-PCR की अनिवार्यता के चलते पर्यटकों के रुझान में कमी देखने को मिली। गाइडलाइन की पालना के लिए उपखंड अधिकारी ने दौरा किया। सीकर में नगर परिषद की ओर से शिव कॉलोनी में करवाई जा रही खुदाई का कॉलोनी वासियों ने विरोध किया। मौके पर पहुंचकर कमिश्नर ने लोगों से समझाइश की, गंदे पानी के भय के चलते लोग दीवार नहीं बनाने दे रहे। नागौर के मिर्जा सिटी में पालिका अध्यक्ष गौतम टाक पालिका टीम समेत 8 वार्डों में वार्डवासियों से मिले, वार्डों के अति आवश्यक कार्यों को शीघ्र ही शुरू करने के निर्देश दिए। कोरोना महामारी के चलते देश भर के विद्यालय मार्च से बंद हैं। ऑनलाइन क्लासेस से छात्र छात्राओं की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही, अभिभावकों को चिंता सताने लगी है। कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई में रुचि कम हो सकती है। फतेहपुर में सीवरेज का गंदा पानी निकलकर खेतों और आम रास्तों में आ रहा है। हवा में बदबू घुलने से लोगों को परेशानी है, कई बीमारियों के फैलने का खतरा स्थानीय लोगों को सता रहा है। कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके में मारपीट मामले में पीड़ित परिवार ने IG से न्याय की गुहार लगाई है। दादाबाड़ी थाना पुलिस पर कार्रवाई में भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। कोटा में चंबल नदी में SDRF टीम के सदस्यों ने रेस्क्यू का अभ्यास किया, पानी में डूबने पर जान बचाने की भी जवानों को ट्रेनिंग दी गई। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया, बताया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के मसूदा में मुख्य बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यात्रियों को बदबू के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश में हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। दौसा के युवा लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं, रक्तदान के लिए युवा समूह तत्पर रहता है, निस्वार्थ भाव से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी पहुंच जाते हैं। 5 साल के एक मासूम को WVC डोनेट किया है। झालावाड़ के रायपुर कस्बे में कई दिनों से अनियमित जलापूर्ति की समस्या है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष संजय जैन ताऊ की अगुवाई में तहसीलदार का घेराव किया, शीघ्र ही जलापूर्ति सुचारू करने की मांग की। बांदीकुई के चक मोराडी बेड़ा धानी गांव में जमीन बुवाई के चलते विवाद में एक पक्ष के 15 लोग घायल हो गए, दूसरे पक्ष के 8 लोगों को हल्की चोट आई है। पाली में पणिहारी ओवर ब्रिज के पास संतुलन बिगड़ने से डिवाइडर से टकराकर ट्रक पलट गया, ट्रक से भरा सामान बिखर गया, घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। आमेर थाना क्षेत्र के खाड़ी बावड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मसूदा के बादनवाड़ा ग्राम पंचायत के निवासी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय में अभिनंदन समारोह किया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले श्रमिक की करंट लगने से मौत हो गई। 35 GB में स्थित JK ईंट उद्योग पर मजदूर काम कर रहा था। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे चरण के तहत प्रतापगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पर पुलिस और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से चौकस है। वहीं कई लोग कच्चे रास्तों से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते नजर आए। डॉक्टर सतीश पूनिया ने हैबिटेट फॉर
हम्यूनिटी इंडिया के सहयोग से आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालसू में 2 वेंटिलेटर दिए। चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में योगदान दिया। पूनिया ने सरिता योगी और संस्था को धन्यवाद दिया। झालावाड़ में सारोला पुलिस ने गश्त के दौरान तारज घाटी पर तलाशी के दौरान कार्रवाई की। बाइक पर सवार 2 लोगों को 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। बाजार मूल्य 3 लाख रुपए बताया जा रहा है। चूरू में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी चूरू चौपाटी का लोकार्पण भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने किया। सितंबर 2018 में इसका शिलान्यास भी राजेंद्र राठौड़ ने किया था। बयाना जंक्शन पर स्थित टिकट काउंटर को ही रेलवे कर्मचारियों ने जबरन पार्किंग एरिया में बदल डाला। यात्रियों को परेशानी हो रही है। 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन लगता है चालान सिर्फ आम लोगों का ही होता है। सीकर में स्मार्ट इलेक्ट्रिकल मीटर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। 29,50,000 की धोखाधड़ी की थी। ठगी करने के आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ में छोटे भाई पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उदयपुर नगर निगम की गैराज समिति की बैठक आयोजित हुई। गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। नागौर शहर के कोतवाली थाना इलाके में युवक की हत्या मामले में शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक खीवसर के खोडवा इलाके का रहने वाला सहदेव मेघवाल, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर का बयान सामने आया है। कहा, कई महीनों से राज्य में पटवारी हड़ताल पर है। कई महत्वपूर्ण कार्य पटवारी के हस्ताक्षर के बिना अटके हुए हैं। दौसा जिले में बिजली की तारों से हादसे का शिकार लोग आए दिन हो रहे हैं। बुजेट गांव में करंट से 4 युवक झुलस गए। एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा के इटावा में नकबजनी की वारदात के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 30 लाख नकद और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। कोटा के इटावा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बेचने के मामले में फरार आरोपी महेंद्र भील को खोड़ावदा गांव से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सवाईमाधोपुर के बोनी में विधायक के प्रयासों के बाद गालद खुर्द से लाडोता तक सड़क स्वीकृत करवाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने विधायक का लुंगड़ी ओढ़ाकर स्वागत किया। साथ ही सड़क बनने के बाद ग्रामीणों में खासी प्रसन्नता देखी गई। झुंझुनू के खेतरी में संचालित सामाजिक संस्था लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने 17 दिव्यांगों को बस पास दिए। सवाईमाधोपुर के बोनी में समाज सेवियों ने लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए और अस्पतालों में आवश्यक संसाधन भेंट करने के साथ विशेष रूप से बड़े मास्क और सीएससी स्टाफ और अन्य लोगों को ये वितरित किए। सवाईमाधोपुर के बोनी में अनलॉक 3 के बाद बाजारों में रौनक देखने को मिली। वहीं गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोग बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते दिखाई दिए। जयपुर में कोरोना की धीमी रफ्तार होने के बाद राज्य सरकार ने कई छूट प्रदेशवासियों को नई गाइडलाइन में दी है। हालांकि गाइडलाइन की पालना करते हुए पर्यटकों को थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क लगाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। झालावाड़ में प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मिथे महावली सरकार की गागरोन स्थित दरगाह पर चोरों ने 40,000 रुपए पर हाथ साफ कर लिया। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। चूरू के बीदासर में सरकार ने सिविल न्यायालय की सौगात दी है। सिविल कोर्ट को अभी के लिए अस्थायी भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। जोधपुर के फलौदी में एक किसान के खेत में रेत में दबी बमननुमा वस्तु बाहर निकल आई। सूचना पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे, डिस्पोजल के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित किया। चूरू के पुलिस लाइन गेट के सामने एक महिला का सोने का झुमका गिरा, जो जुलू टीम को मिला और टीम ने महिला को झुमका लौटाकर एक नई मिसाल कायम की। सीकर में रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। उपाध्यक्ष ने कहा, रोडवेज के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा। साथ ही कहा कि मांगें पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य की होगी।
कोरोना के कारण राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन के मुताबिक राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद कोरोना महामारी के कम होने के बाद ही सरकार ने पर्यटकों के लिए प्रदेश के सभी राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालयों को खोल दिया है। सिरोही के माताघर चर्च के पास रेल कर्मी की मौत हो गई, जिस पर मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। साथ ही शहर कोतवाल को ज्ञापन सौंपा और मृतक की हत्या का प्रकरण दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। बूंदी के रेलवे ट्रैक पर एक 22 वर्षीय युवक ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया, परिजनों को सूचना दी। दौसा में राहगीरों से मोबाइल लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बताया कि आरोपी रोडवेज बस में से मोबाइल लूट कर ले गया था। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। शराब से भरे 2 वाहनों को जब्त किया है। 5 लाख की शराब बरामद कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा के दर्जन बांधों का तहसीलदार ने निरीक्षण किया। मानसून में होने वाली बारिश के प्रभाव को देखकर बांध का निरीक्षण किया गया है। अजमेर के भिनाए के राजकीय उच्च विद्यालय के संस्था प्रधान पर ग्रामीणों ने मिड डे मील के तहत बड़ी हेराफेरी करने का आरोप लगाया। साथ ही संस्था प्रधान पर फर्जी बिलों पर भुगतान उठाने का भी आरोप लगाया। श्रीगंगानगर में सबसे महंगे पेट्रोल डीजल इस वक्त मिल रहे हैं। ऑर्डिनरी पेट्रोल 107.53 रुपये और डीजल 100.51 रुपये के दाम पर पहुंचा। तेल कंपनियों ने जून के महीने में 9वीं बार तेल की कीमतों में इजाफा करते हुए पेट्रोल पर 26 पैसे और डीजल पर 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। कोटा में एबीवीपी की ओर से आरोग्य मशीन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। साथ ही जरूरतमंदों को राशन और दवाइयां भी वितरित की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।